सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब गाइस? आपने आज की वीडियो थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं स्टोरी बात करने जा रहा हूँ। गाइस, आज मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ ट्राइपॉड जो एवर कंपनी का है। गाइस, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैंने खुद से परचेज किया था, मुझे किसी ब्रांड ने नहीं दिया। मैं खुद से, जब मैं बिगिनर था फोटोग्राफी में तब मैं यूज़ करता था, बट अब नहीं करता। ऐसी कभी वीडियो बनाने होती तो उसका यूज़ कर लेता हूँ, बट अभी मेरे भाई वीडियो शूट करते हैं, जानते हो आप सौरभ भाई को, ज़्यादातर वीडियो मेरे वही शूट करते हैं, फोटो भी वही क्लिक करता है। एंड गाइज, इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में लाइट रूम के ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर गाइज आपने वाली वीडियो नहीं देखी मेरी, तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, लाइट रूम के ऊपर है। एंड गाइज, बिना किसी देर के चले मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। तो गाइज, जैसे कि बॉक्स है, बॉक्स पे कुछ लिखा है, जैसे इस पर लिखा पहले प्रोफेशनल ट्राइपॉड फॉर कैमरा। गाइज, ये जो ट्राइपॉड है ओनली फॉर कैमरा के लिए, डीएसएलआर के लिए। वैसे फ़ोन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट काफ़ी हैवी है तो कैमरे के लिए काफ़ी अच्छा है। जगुआर कंपनी का है, ऐसे लोकली कंपनी है, कोई अच्छी कंपनी नहीं है। और ये PH9 है गाइस, PH9 मतलब होता है इसकी जो मेटल होती है उसका है ये। एंड गाइस, पे लिखा है वेट जो है, हाइट जो है गाइस मैक्सिमम है 17 सेंटीमीटर। एंड लोडेड कैपेसिटी, मतलब गाइस कैपेसिटी जो उसकी लोडेड है वो 2.7 kg तक का ये कैमरा कुछ होल्ड कर सकता है। फोल्डर हाइट है गाइस 62 mm। गाइस, फोल्डर हाइट होती है वो बताऊँ क्या होती है। एंड डायमीटर ऑफ लेग्स 6.5 mm है। एंड गाइस, ऐसा कुछ नहीं लिखा, चलिए मैं साहब जल्दी से खोलता हूँ। गाइस, से खोला मैंने ऐसे, इससे गाइस निकला है कैरी बैग, निकला ऐसे साइड रख देते हैं। तेरा गाइस कैरी बैग ये काफ़ी पसंद है मेरे को, मैं इसे ऐसे टांगता हूँ, कहीं भी निकल चलता हूँ जब काम होता है। और गाइस, फिर इसकी एक चैन खोली ऐसे, पन्नी के अंदर है कवर, पन्नी भी निकालते गाइस साइड में। बाकी अंदर वो गाइस बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो मतलब यूजेज है कुछ ऐसा। ये तो गाइस, अब मैं इसका एक सिनेमेटिक शॉट लेता हूँ, सौरभ भाई इसका सिनेमेटिक शॉट लेंगे। गाइस, आप बताना सिनेमेटिक शॉट कैसा था। गाइस, के जो लेग्स हैं ये रहे 1, 2, 3, और यहाँ से ये और भी बड़ा हो जाएगा। जितना मर्जी चाहो उतना बढ़ जाए। गाइस, जैसे एल्यूमिनियम का ये, और गाइस यहाँ पे इसका एक लॉक है, जैसे कि ये चीज़ है तो आप इसे एक बार यूँ दबा देंगे, ऐसे करके घुमा देंगे तो लॉक हो गया, इसका लॉक हो गया। अगर यूँ करके तो फ्री हो गया एकदम। बस नीचे एक ऐसा होल्डर सा, यहाँ पे इसका थैला है, कुछ भी छोट मतलब टांग सकते हैं। और यहाँ पे इसका एक ये होल्डर इसे कैरी करने के लिए। एंड गाइस, यहाँ पे ये इसका मूवर है, जहाँ से हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इसको, यहाँ से ढीला भी टाइट कर सकते हैं जितना मर्जी जैसे यूँ करना हो तो। एंड गाइस, अब हमें मतलब लैंडस्केप में बनानी हो वीडियो, तो इसके लिए ये रास्ते आप लैंडस्केप में बना सकते हैं, यहाँ से इसके ढीला टाइट हो जाता है यहाँ से। एंड गाइस, ये है इसका टाइट ओपन है, वैसे गाइस मूवर के लिए इतना आसान से मूवर करना है, मूव शॉर्ट्स के लिए उसके लिए। एंड यहाँ पे गाइस से आप कैमरे पे लगा के एंड देन से ये लॉक पे कहीं खोल के लगा सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने वीडियो देखी तो गाइस कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड गाइस सिनेमैटिक शॉट कैसे थे वो भी बताना। एंड गाइस, सेकंड चीज़ ये, जो गाइस मैंने इसे ऑफलाइन परचेज किया था, गाइस तो इसे मैंने पिछले साल परचेज किया था, और मैंने सिर्फ एक महीना ही यूज़ किया था बस ऐसे वीडियो के लिए, एंड मैंने उसके बाद कभी इसे यूज़ नहीं किया। एंड गाइस, अभी मैं मोनोपोड यूज़ करता हूँ, अगर आपको उसकी भी अनबॉक्सिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं मोनोपोड को अनबॉक्सिंग करूँगा। एंड गाइस, इसे जो मैंने परचेज किया था वो 1000 का था, वैसे गाइस ये 1650 का ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, बट इसे मैंने ऑफलाइन परचेज किया था होलसेल मार्केट से, कैमरे की मुझे 1000 रुपया पड़ता। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।